So this is a way to Elephant Beach by trekking. लेकिन आप लोग जेट्टी से भी जा सकते हो, वो आपकी मर्जी. लेकिन मैं जा रहा हूँ विद फैमिली ट्रैकिंग के साथ, टेक एन एडवेंचर. तो लेट्स स्टार्ट. चलें सर, क्या नाम है आपका? तरुण. तरुण, तो तरुण विल बी अ गाइड जो हमें रास्ता बताएगा. ही विल टेक 500 रुपीज चार्जेस फॉर दैट. रहेगा उसके बाद ही जंगल शुरू होगा, और जंगल के अंदर छाव रहेगा, लेकिन थोड़ा कीचड़ रहेगा. क्या रहेगा? कीचड़. मतलब स्लिपरी. अच्छा, कीचड़. मैं कोई जानवर है? जानवर खाली चिकल ही दिखेगा, साफ दिखते हैं बाई चांस. काटेगा तो नहीं? नहीं. ये रोज का काम. नहीं नहीं, ऐसा नहीं. वो एलिफेंट आया था ना यहाँ पर. हाथी पहले स्विमिंग करते थे. हाथी स्विमिंग करते. हाथी का ही बीच है. अभी नहीं करते? अभी नहीं करते. पहले जो था राजन करके था हाथी, वो करते थे स्विमिंग. अभी जो हाथी है ये नॉर्मल हाथी है, दोनों फीमेल है. फॉरेस्ट के सरकारी हाथी. कहाँ है? मिलेंगे? उसके पैरों के निशान दिखेगा, लेकिन मिलेंगे नहीं. बाई चांस मिल भी सकते. अच्छा, मिल. 45 मिनट चलना है. ब्रेक दे दियो. हाथी के पैरों के निशान. रीजन बिहाइंड व्हाई दिस प्लेस इज कॉल्ड एलिफेंट बीच, बिकॉज पहले यहाँ पे राजन नाम का एक हाथी नहाया करता था आके. तो अभी तो फिलहाल कोई एलिफेंट वगैरह यहाँ नहीं है, बट हाँ उनके पैरों के निशान आप देख सकते हैं. और दो सरकारी हाथी हैं, बट वो भी चांस की बात है दिख जाए तो. देखते हैं हमारी किस्मत. ये टायर्ड हो चुका है और अब इसलिए मैंने इसको अपनी गोदी में उठा लिया. तो मेरी डबल वॉक हो रही है. आई एम कैरिंग अ पिट्ठू बैग. आई एम कैरिंग अ चाइल्ड हु इज अप्रोक्सीमेटली 18 kg. तो बस चल रहे हैं. देखते हैं पहुंच पाते हैं कि नहीं. स्लिपरी है, थोड़ा ध्यान से चलिए. बिकॉज पानी अभी बारिश हुई है 2-3 दिन पहले. वेदर तो वैसे भी अनप्रिडिक्टेबल ही है. अभी हुई 2-3 दिन पहले बारिश, तो इसलिए पीछे गए थे. आराम. गाइड कर लेने का यही फायदा है कि हमें रास्ता गाइड कर रहा है और हमारे लिए इजी हो रहा है. बिकॉज यहाँ पे 2-3 रास्ते निकलते हैं, कई बार आप गलत जा सकते हैं. और 3 बजे से पहले यहाँ वापस आना पड़ता है. 3 बजे बीच बंद हो जाता है बीच, तो हमें वापस पहुँचना है. अंधेरा होने के कारण जंगल भी अब 4-4:30 के बाद कहाँ पाए. आप लोग यहीं रहते हो? यहाँ कोई भीड़ भाड़ कुछ ऐसा है नहीं? लोग जाते नहीं यहाँ से? यहाँ से मिनिमम 100 लोग जाते चल के, बोट से करीबन 400-500. हाँ, वो जैसे कोई बता रहा था, जनरली कपल्स होते हैं जो बोट्स के थ्रू जाते हैं ना वहाँ पे. और इंडियन लोग पसंद नहीं करते चलना. हाँ सही बात. फॉरनर ही ज्यादातर जाते हो. फॉरनर देखो साइकिल ले लेके कहाँ पहुंचे. वो साइकिल लेके चले गए. हाँ वही तो, साइकिल से वापिस आ रहे थे. क्या नाम बताया आपने? पवन. तरुण. तरुण, साइड में जिसका भी साउंड हो वो चुप के लिए. अगर मॉर्निंग का सांप दिखने का चांस रहता है 90%. कौन सा सांप? ग्रीन स्नेक. फॉरेस्ट के अंदर घना फॉरेस्ट में होता है. पॉइजनस होते हैं? पॉइजनस तो हर सांप होते हैं, खाली आविष्कार नहीं करते. नहीं नहीं, सारे सांप थोड़ी पॉइजनस होते हैं.
नहीं, में बहुत सारे कांटे हैं इसलिए इसको टच ना करे, एलर्जी हो जाएगी क्या? एलर्जी नहीं, अंदर चले जाएंगे मास्क के अंदर। अच्छा अंदर चले जाते हैं, इससे दूर रहना भाई साहब। काफी कीचड़ है, चलने मुसीबत हो रही। ये पेड़ है पडॉक, इसका नाम है, बहुत ही विशाल पेड़ है और इसकी जो फर्नीचर है वो बहुत अच्छे बनते हैं। दूसरा, अब यहाँ से जो रास्ता जा रहा है ये स्लोप है, कम से कम 5 मिनट का रास्ता है, अगर ये पार हो गया तो समझो बस उसके बाद स्ट्रेट ही है और कीचड़ भी कम है। मैं ज्यादा वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि कीचड़ बहुत ज्यादा था, मैं फैमिली को संभालूं या गिम्बल को संभालूं। तो चलते हैं आगे, चलो। फाइनली हम काला पत्ता, सॉरी कौन सा बीच है, एलिफेंट बीच पर पहुंच गए हैं। काफी मुश्किल ट्रैक था कीचड़ के कारण, और ये बीच 3 बजे बंद हो जाता है। इस टाइम वैसे 1 बज रहा है, मेरे पास 2 घंटे हैं। चलो दिखाते हैं आपको एलिफेंट बीच। ये मॉडल काफी पत्थर पड़े हैं यहाँ पर, फिर भी खूबसूरत है। यहाँ काफी वाटर एक्टिविटीज होती हैं, स्नोकलिंग, सी वॉक, बनाना राइड। आगे देखते हैं। ये शंख मिला है यहाँ पर, लेकिन ये जिंदा है। काले शंखों को ना लेके जाइए, यहाँ फाइन लगेगा। अगर ये आपके बैग में बरामद किए गए या आप इनके साथ पकड़े गए तो फाइन होगा और जेल में डाल दिया जाएगा। तो हम ले रहे हैं अब सोफा राइड, 4 बंदे, 400 पर पर्सन, 2400 रुपीज़, 600 पर पर्सन, 2400 रुपीज़।